सो रहा था, ये हम है, ये पड़ोस वाले भैया की कार है और ये हमारी पार्टी हो रही है। सो या गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद सैयद हाशमी ऑफिशियल। तो गाइस अभी हम लोग नीचे चलते हैं और जाके अभी मैं बाइक का प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि मैं शायद एक साल पहले मैंने चलाया था, फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया, मतलब सीख रहा था मैं 45% तक तो मैं सीख गया हूँ, खाली मुझे बैलेंस करना नहीं आता। तो अब आज मैं जाऊँगा, आज जाके कोशिश करता हूँ, ट्राई करता हूँ, हो सकेगा तो जितना हो सके मैं आप लोग को दिखाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, देखते हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं दिखाऊँगा, फिर तो अपना ही पोपट हो जाएगा ना, तो इसलिए थोड़ा बहुत दिखाऊँगा आपको। तो बने रहे और वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें, वीडियो को एंड तक करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बाय। पल्सर यहाँ बाइक का शोरूम है गाइस, देख लो वो है सुजुकी लाइन से बाइक का यहाँ पर शोरूम है, ये देखो है ना, ये अच्छा है ना, लेकिन देखो इसका भी कंडीशन पूरा खराब हो चुका है। करिश्मा का पुराना मॉडल है। अरे ये है, ये अपना बाइक है पल्सर का, और ये स्कूटी है, और ये देखो सबसे पुराना बाइक, ये हम लोग का सबसे पुराना बाइक 6 साल। तो गाइस मेरे को एक चीज़ अभी याद आया, लेट्स क्रिएट सम मीम्स, जो कुछ दिन पहले बहुत ही फेमस हो रहा था। ये हम है, ये पड़ोस वाले भैया की कार है और ये हमारी पार्टी हो रही है। सो चलें अभी चलते हैं, चाय छकनी लेते हैं, फिर उसके बाद बाइक चलाना सीखेंगे। देखो ये देखो चाय छकनी का वहाँ पर है भैया, तो अभी चलते हैं हम लोग, तो जाके चाय छकनी लेते हैं। अब चलते हैं बाइक में बैठते हैं, पता नहीं अब क्या होगा मेरे साथ, तो चले देखते हैं। बोलू गाइस बाइक चला के मेरा ना पैर पूरा जा चुका है, बस थोड़ा सा मैं सीख लिया, थोड़ा सा सीखा हूँ मैं, थोड़ा सा क्या, जो एक साल पहले मैं जो कर रहा था वो फिर से पूरा रिवाइंड, मतलब फिर से रिवाइज क्या बोलते हैं ना उसको, फिर से वही चीज़ दोबारा किया हूँ, तो वही बात है, फिर से बैलेंस में दिक्कत हो रहा है, और बस और कुछ नहीं, अब देखते हैं फिर कब होगा फिर दोबारा क्लास, सर कब क्लास लेंगे कुछ पता नहीं है। तो यार बाद में बात करते हैं। The next day. तो यार फाइनली हम लोग फिर से जा रहे हैं सामान लेने के लिए बाहर, और चले आप मेरे साथ, और आज कुछ अनोखा है, आज मिस रिहाना कमाल हम लोग के साथ है। मिस रिहाना कमाल साथ है आज, जो मेरे साथ मेरी पार्टनर मेरी सिस्टर वो आज घर पर है, तो आज मम्मी जा रही है साथ में, तो हम लोग जा रहे हैं सामान लेने के लिए, तो बहुत कुछ लेना है तो इसलिए मम्मी को ले जा रहे साथ में, क्योंकि उतना याद नहीं रहता ना, हाँ हम लोग भुलक्कर पार्टी है ना, इसलिए आज मम्मी को ले जा रहे हैं साथ में। तो क्या, और कुछ एक चीज़ है जो मैं ऑर्डर किया था वो आ चुका है, तो वो भी आपको दिखाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ये स्कूल देख रहे हो, ये स्कूल देख लो पहले अच्छे से, फिर आप लोगों को बताते हैं। तो यार जो पीछे स्कूल देखे ना, वो स्कूल में हम लोग सोचा था मम्मी को वहाँ पर एज अ टीचर वहाँ पर अपॉइंट करवाएंगे हम लोग, लेकिन उसके बाद तो लॉकडाउन लग चुका है, तो इसलिए
परेशान हम मम्मी, हम लोग सामान देखो यहाँ पर प्लेट ले लिया है और भी कुछ सामान है, टेबल उबल लेना है और एक ग्लास लेना है मेरे को बहुत दिन से दिल है कि वो ग्लास लूँ। तो बेसिकली उसको वाइन ग्लास बोलते हैं। वो दिखाई दे, नजर आ रहा है। अच्छा उधर है, हाँ तो वो ग्लास लेना है मेरे को। अच्छा इस टाइम एक्सपीरियंस लेते हैं कि मम्मी अराउंड तीन या साढ़े तीन महीना बाद बाहर निकली हैं घर से, तो बताइए मम्मी कैसा लग रहा है आपको बाहर निकली? अच्छा लग रहा है। हाँ जोर से बोलिए। डर भी लग रहा है मगर अच्छा लग रहा है ना, लग रहा है कि चलो खुला सांस लिए। अच्छा लगता है खरीदारी करने में, घूमने में, मगर तीन महीना से पैक थे घर में। तो मम्मी साढ़े तीन महीना या तीन महीना से मम्मी घर पर थी और मम्मी आज वहाँ निकली है कुछ अपना शॉपिंग करने के लिए। तो यार अभी यार लेट है, अभी देखो क्या करता है लोग। लेट है यार, क्या बोले यार, इतना थक गया ना। अभी भी देखो अभी सामान यहाँ रखा हुआ है, ये रहा सामान। और अब हम लोग घर के निकलेंगे, अभी 2 बज चुका है। तो अभी हम लोग जो नाश्ता करके निकले थे अभी तक कुछ खाया नहीं है। तो मम्मी कैसा लगा आपको, थक गई ना? बहुत देरी हम लोग बाहर रहे यार, इतना थक गया ना कि क्या बताएं। और जहाँ पर से ग्लास और टी टेबल जो लेने गए थे उस बंदे ने बहुत परेशान किया मालूम है। फिर उसके बाद एंड में आके फिर बोला कि उसका सामान था ही नहीं, तो इतना देर हम लोग को बैठा के रखा, अराउंड 1 घंटा तक बैठा के रखा, फिर बोला सामान नहीं है। क्या बोले ना दुकानदार, चलिए चलिए घर आए हैं। अरे हाथ का हालत देखो मेरा, देखो सामने से दिखाता हूँ तब समझ में आएगा। लाइक माई वीडियो टिल हेयर, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विच इज सैयद हाशमी ऑफिशियल। सो यार गाइस मैं बहुत जल्द एक क्या बोलूँ ना, मैं बहुत खुश हूँ आज, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। जिस चीज़ का वेट मैं कर रहा था बहुत दिनों से वो फाइनली आज आ चुका है और मैं नेक्स्ट ब्लॉग उसी के ऊपर बनाऊंगा। तो वो ब्लॉग मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। सो टिल देन यार डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज़ सैयद हाशमी ऑफिशियल। सो प्लीज़ गाइस आप मेरे वीडियो को लाइक करो और प्लीज़ लाइक करो पूरा देखो, ठीक है? तो आप लोगों से बहुत जल्दी यार देखो मेरी खुशी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ आऊँगा मैं जो बहुत ही अमेजिंग होगा।